श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल की गुप्तचर शाखा और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 22,500 नशे की गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिले में नशे की बड़ी खेप आने वाली है। इस पर विजयनगर आई रोड और खींची चौक पर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक एक कार को रोका, जिसकी तलाशी में भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद हुई। श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर नशे और नशा के तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत लगातार कार्रवाइयाँ जारी है। रांची नगर पुलिस के द्वारा मुखबिर की इतला पर 22,500 नशीली गोलियां बरामद की गई, जिसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, 2 मुलजिम घोलवाला मानगढ़ गए, 1 मुलजिम लोकल ही सतजंडा का है। ये जहाँ से और जिन लोगों से ये नशा की गोलियां लेके आए थे उनको भी एफआईआर के अंदर नामजद किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है।